बुजुर्ग की जमीन बेचने का मामला आया सामने, जाल साजिश से बेची गई थी जमीन, सर्विस प्रोवाइडर अंजलि शुक्ला ने किया पर्दाफाश। दलालों ने जालसाजी कर लगाया था बुजुर्ग को चूना, सर्विस प्रोवाइडर अंजलि शुक्ला ने किया पर्दाफाश। चमराडोल में बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी कर बेच दिए थे दलालों ने जमीन। मामला सीधी जिले के मझौली थाना के चमराडोल निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग अर्जुन बेगा पिता सुखनाथ बेगा की जमीन को दलालों ने जालसाजी पूर्वक षड्यंत्र रचते हुए जमीन को बेचकर पूरा पैसा हजम कर गए हैं, जिसका खुलासा रजिस्ट्री लेखक अंजलि शुक्ला ने स्वयं किया है। सर्विस प्रोवाइडर अंजलि शुक्ला ने बताया कि चमराडोल निवासी भगवान दीन गुप्ता पिता राम जी गुप्ता तथा उमेश भूरिया पिता पंचम भूरिया ने पीड़ित 75 वर्षीय बुजुर्ग अर्जुन बैगा तथा जमीन खरीददार आरोपी खरीददार भूमन सिंह तराम पिता पीहू सीताराम ग्राम झिरिया पोस्ट बरौली तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट रणमत सिंह परस्ते पिता चरण सिंह परस्ते ग्राम अमरगार पोस्ट घुनघुटी तहसील पाली जिला उमरिया के रहने वाले हैं एवं और भी विभिन्न आरोपी हैं। उनके द्वारा और दलालों के द्वारा जालसाजी पूर्वक पीड़ित बुजुर्ग की जमीन बेचने का मामला सामने आया था, जिस बात को लेकर के इसका खुलासा सर्विस प्रोवाइडर अंजलि शुक्ला के द्वारा किया गया है और कार्यवाही कराने की बात भी कही गई। नौढ़िया फायरिंग रेंज 30 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी साकेत मालवी द्वारा आदेश जारी कर दिनांक 30/1/2023 से दिनांक 2/2/2023 तक ग्राम नौढ़िया तहसील गोपत बनास में फायरिंग रेंज के चारों तरफ 4 किलोमीटर की परिधि में ग्राम के नागरिकों तथा पशुओं के प्रवेश निषेध हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली जिला सीधी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौढ़िया तहसील गोपत बनास में स्थित फायरिंग रेंज में अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक चंदमारी दिनांक 30/1/2023 से दिनांक 2/2/2023 तक होना प्रस्तावित हुआ है, जिस बात को लेकर के सीधी कलेक्टर ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान सीधी जिले के नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4 में हुआ संपन्न। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का इन दिनों हाथ से हाथ जोड़ो अभियान नगर पालिका परिषद सीधी में चलाया जा रहा है। इसी तत्वधान में आज नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4 में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष एकजान सिंह के मुख्य अतिथि एवं नगर पालिका के उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह की अध्यक्षता, विनोद मिश्रा उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह महेंद्र के विशिष्ट अतिथि में आज संपन्न हुआ है, जिसमें आज नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4 में घर घर जाकर के लोगों से संपर्क किया गया। राहुल गांधी एवं कमलनाथ का संदेश पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। जिला अध्यक्ष एकजान सिंह ने कहा कि जनमानस में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रति खासा उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4 में आज कार्यक्रम संपन्न हुआ। भीम आर्मी पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर किनारेबाजी। बीते दिनों पड़खुरी नंबर 2 में हुई घटना के विरोध में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की रखी मांग। बता दें कि मामला सीधी जिले के पड़खुरी नंबर 2 का है, जहां पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के समारोह में कुछ लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी की फोटो को जमीन पर फेंक दिया, जिस बात को लेकर के भीम आर्मी पार्टी के नेताओं ने कार्यवाही करने की मांग की है और सीधी जिले के कलेक्ट्रेट चौराहे पर नारेबाजी की है। आइए सुनाते हैं उनके द्वारा किस तरीके से कार्यवाही की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि दोषी व्यक्तियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उनके द्वारा साफ तौर पर नारेबाजी में सुना जा सकता है कि उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि दोषी व्यक्तियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उनके द्वारा कार्यवाही की मांग की गई है। आइए सुनाते हैं उनके द्वारा किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने डीजे वाहन को मारी ठोकर, एक व्यक्ति को आई गंभीर चोटें। बता दें कि मामला सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत का है, जहां पर पटवारा में बारात में डीजे बजा रहा एक व्यक्ति को तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में लोगों की मदद से इलाज के लिए उसे नजदीकी जिला अस्पताल सीधी के लिए ले जाया गया है।
जहां पर उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल से उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेंद्र कुमार चतुर्वेदी पिता जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 26 वर्ष ग्राम बरगमा का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया गया है। थाना कमरजी का रहने वाला भी बताया जा रहा है। वहीं कमरजी थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। बता दें कि तेज रफ्तार बेलेरो वाहन ने डीजे वाहन को ठोकर मारी थी, जिसके कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे गंभीर चोटें आई हैं और कमरजी थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल से अब उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है और कमरजी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।